महाराष्ट्र की राजनीति में आए दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे से बगावत करके जब से राज्य में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है, तब से कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और लगातार सीएम शिंदे की कुर्सी पर संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीएम के खतरे की वजह खुद उनके विधायक हैं जो बगावत पर उतर आए हैं। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे की ताकत बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ अंधेरी में उनके उम्मीदवार की जीत, तो वहीं संजय राउत की रिहाई। इससे भी अहम बात यह है कि अब महाराष्ट्र में नए समीकरण का आगाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें, उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर 20 नवंबर को एक कार्यक्रम में साथ नजर आ सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच दूरियां कम हो सकती हैं। जेल से रिहा होने के बाद शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और समाज सुधारक प्रबोधनकार ठाकरे संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में मिलकर एक साथ काम किया है। प्रबोधनकार के आग्रह के बाद बाबा साहेब अंबेडकर संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में शामिल हुए थे। प्रकाश अंबेडकर बाबा साहेब अंबेडकर के पोते हैं और उद्धव ठाकरे प्रबोधनकार के पोते हैं। दोनों के दादाजी का रिश्ता अब नाती तक पहुंच गया है। मातोश्री से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि राज्य में ठाकरे एक ताकत है और प्रकाश अंबेडकर की भी एक ताकत है। दोनों ताकत जब एक साथ आएंगी तो महाराष्ट्र ही नहीं देश की राजनीति की तस्वीर पूरी तरह से बदलती हुई नजर आएंगी। 20 तारीख के कार्यक्रम के बाद तस्वीर कुछ बदली नजर आएंगी। प्रकाश अंबेडकर और शरद पवार के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। इस पर राउत ने कहा कि जब साथ बैठेंगे तो कुछ बात भी होगी और यह चर्चा भी होगी कि आखिर चर्चा के बाद सभी मामलों का हल निकल जाएगा। मुझे केवल इतना पता है कि पवार भी बाला साहेब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाले हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ नासिक में बगावत का बिगुल बजता हुआ नजर आ रहा है। विरोध की आवाज उठाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके गुट के विधायक सुभाष कांदे हैं, जिनका कहना है कि सीएम ने जिले में पार्टी के अंदर जो भी नई नियुक्तियां की हैं वो सब अवैध हैं और अमान्य हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के दौरान उन्होंने खुलकर एकनाथ शिंदे से अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इन नियुक्तियों की वजह से पार्टी में आने वाले नए लोगों का रास्ता ब्लॉक हो गया है। ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि अब पार्टी में इनकमिंग पर ब्रेक लग चुका है।